नमस्कार, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी के चैनल पर। और आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि ये द्रविड़ नाडु की मांग एक्चुअल में क्या है। भारत का मैप आपके सामने, और यहाँ पर आपको ये रेड कलर का एरिया जो नजर आ रहा है, इसको मिलाकर द्रविड़ नाडु का निर्माण होता है। एक्चुअल में कहा जा रहा है कि हम एक अलग से एक देश बनाना चाहते हैं, जिस देश का नाम क्या होगा, द्रविड़ नाडु होगा। आप यहाँ पर इस द्रविड़ से समझ सकते हैं, जो द्रविड़ जो साउथ इंडिया के जो लोग हैं वो द्रविड़ कहलाते हैं, और जो उत्तर जो भारत के जो लोग हैं, यहाँ पर कहा जाता है कि भारत के नहीं है, भारत से बाहर आए लोग हैं, आर्यन जो लोग हैं यहाँ पर बसे थे यहाँ पर आके, तो इसलिए कि हमारा कल्चर बिल्कुल अलग है यहाँ से, और इसलिए हम हमारा एक देश बनाना चाहते हैं। तो द्रविड़ नाडु इस करके, जो तमिल लोगों की बात करता है, तेलुगु लोगों की बात करता है, मलयालम लोगों की बात करता है, जो यहाँ के जो मूल निवासी हैं, ये कहा जाता है कि हम जो द्रविड़ जो लोग हैं यहां के मूल निवासी हैं, इसलिए एक अलग से देश की ये मांग करते हैं। खैर, आज आपको बहुत अच्छे से डिटेल से मैं कवर करवाने वाला हूं कि द्रविड़ नाडु की एक्चुअल में शुरुआत कहां से हुई, ये निकल के कहां से आया, और आज जो एक देश बनाने की जो बात हो रही है, ये एक्चुअल में क्यों की जा रही है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले पीडीएफ के लिए मैं आप लोगों को बता देता हूं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का एक लिंक दिया मिलेगा, तो जाकर आप वहां से इस वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, द्रविड़ नाडु एक राजनीतिक जो विचार था, सबसे पहले पेरियार ईवी रामास्वामी नायर द्वारा प्रस्तुत किया गया था। पेरियार ईवी रामास्वामी कौन है, ये जो आपके सामने जो इमेज आ रही है ना, ये देखिए पीछे ये जो है आपके सामने इमेज, ये है पेरियार ई स्वामी रामास्वामी। तो यहां पर इनके द्वारा प्रस्तुत किया गया था सबसे पहले द्रविड़ नाडु का विचार। एक्चुअल में 1938 की बात है, 1938 के अंदर हिंदी को अनिवार्य शिक्षा के रूप में लागू किया जा रहा था, और यहां पर पेरियार ईवी रामास्वामी के द्वारा कहा गया था कि मैं हिंदी का विरोध करता हूं, और तमिल के लिए तमिलनाडु का नारा दिया था। आरंभ में द्रविड़ नाडु जो है तमिल भाषी क्षेत्र के तक ही सीमित था, लेकिन बाद में ये उन राज्यों में, जो आज की डेट में बात करूं आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल, कर्नाटक, यहां तक फैल चुका है, जहां पर जो आबादी है द्रविड़ भाषाएं, जैसे कि तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ जो बोली जाती है, इन तक यहां पर फैल चुका है। ये बात करता है कि एक संप्रभु राज्य है, या फिर एक अलग से जो इसका नाम दिया जाता है कि साउथ इंडिया, डेक्कन फेडरेशन, या फिर दक्षिण पथ, इन देशों से इसको भी पुकारा जाता है, एक अलग से देश की ये लोग जो है वो मांग करते हैं। विभिन्न समय अवधि में जो द्रविड़ नाडु की जो मांग है, इसको अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट किया गया था कि भाई द्रविड़ नाडु का मतलब एक्चुअल में देश की मांग करना नहीं है, यहां पर इसका मतलब है राज्य को ज्यादा पावर प्रोवाइड करना, अपने जो डिसीजन है वो लेने के लिए। यहां पर इसका एक तरीके से इंटरप्रेट ये भी निकाला गया। साथ ही साथ इसको कभी कभी इस तरीके से भी देखा गया, द्रविड़ नाडु का मतलब एक अलग से देश की मांग करना। ये टाइम टाइम की बात है, किसी ने किसी द्रविड़ नाडु को अलग तरीके से इंटरप्रेट किया होता है ना, कि आप इसकी व्याख्या कैसे कर सकते हैं, आपकी नजर में व्याख्या अलग है, किसी दूसरे की नजर में व्याख्या अलग है, तो यहां पर इसकी व्याख्या अलग अलग तरीके से निकल के भी आती है। अब बात करते हैं, देखिए ये जो द्रविड़ नाडु का जो मैप है, मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं कि यहां पर ये जो एरिया रेड कलर में आपको दिख रहा है ना, इस एरिया को मिलाकर द्रविड़ नाडु का निर्माण होता है। यह है पेरियार ईवी रामास्वामी नायर। तो यहां पर आपके सामने इनके द्वारा ये जो है विचार दिया गया था द्रविड़ नाडु का। एक्चुअल में इन्होंने तमिल के लिए तमिलनाडु की बात की थी, लेकिन धीरे धीरे टाइम बढ़ने पर द्रविड़, ये जो यहाँ के मूल निवासी कहा गया, जो मूल निवासी हैं, उनको मिलाकर हम एक द्रविड़ नाडु का निर्माण करेंगे। अब शुरुआत करते हैं कि इसकी बैकग्राउंड, यानी कि इसकी सबसे पहले शुरुआत कहां से होती है। देखिये, द्रविड़ नाडु की जो अवधारणा है, मूल तमिलनाडु से चले ब्राह्मणवाद, यानी एंटी ब्राह्मणिज्म का मूवमेंट चल रहा था, वहां से ये निकल कर आया था कि सोशल इक्वालिटी हो, ज्यादा पावर आए लोगों के पास, कंट्रोल आए, तो वहां से द्रविड़ नाडु की धारणा वहां से निकल के आती है। समय के साथ साथ इसमें एक अलगाववादी आंदोलन भी शामिल हो जाता है, जिसमें तमिल के लिए एक अलग से संप्रभु राज्य की बात होने लग जाती है। वहां पर 1921 के अंदर जस्टिस पार्टी आती है। जस्टिस पार्टी क्या है, ये जो आंदोलन, इस आंदोलन को समर्थन देने वाली सबसे प्रमुख राजनीति पार्टी होती है। उस समय की बात करूं 1921 के अंदर मद्रास सरकार में ब्राह्मणों की उपस्थिति, वहां पर जो मौजूद ब्राह्मण है उनसे काफी ज्यादा थी। मतलब होता है ना कि आज की डेट में आप जो एससी एसटी ओबीसी जनरल का जो क्राइटेरिया हमारे सिस्टम में आप देखते हैं कि भाई एससी के जो लोग हैं, एससी कैटेगरी के जो लोग हैं, उनकी रिप्रेजेंटेशन कितनी है, तो उनकी जनसंख्या के अकॉर्डिंग वहां पर रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड करवाई जाती है। लेकिन 1921 की अगर हम बात करें तो ब्राह्मणों की जितनी जनसंख्या थी, उनकी जनसंख्या से भी ज्यादा जो लोग हैं, मतलब एक प्रपोर्शन प्रोवाइड किया होता है
हैं कि इतने जो लोग हैं ब्राह्मण के होने चाहिए, लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा जो लोग हैं ब्राह्मण जो हैं वो सरकार में मौजूद हुआ करते थे। अब इसके बाद 1921-25 के अंदर पेरियार ने आत्मसम्मान आंदोलन यानी सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट शुरू किया था, जो एक तरीके से कहा गया था कि तमिल राष्ट्र की एक जो अलग विशिष्ट संस्कृति है उस पहचान पर इन्होंने बल दिया था। 1938 के अंदर जो जस्टिस पार्टी है इस आंदोलन के साथ मिल जाती है और एक पार्टी और एक आंदोलन में इसका एक तरीके से प्रतिनिधित्व करने लग जाते हैं। 1944 के एक जो एक तरीके से एक जो संगठन निकल के आता है उसका नया नाम बनता है द्रविड़ कड़गम, जो आज की डेट में आप डीएम के जो पार्टी देखते हैं वो ये एक तरीके से नाम यहीं से आता है। अब यहां पर स्वतंत्रता से पहले की तो बात होगी, स्वतंत्रता के बाद बात करते हैं। लेकिन 1956 में आपको पता है कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम लाया गया था, यानी तेलुगु भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का सबसे पहले निर्माण किया गया था। भारत के अंदर भाषा के आधार पर सबसे पहले आंध्र प्रदेश का निर्माण हुआ था। जब यहां पर भाषा के आधार पर राज्य का निर्माण होना स्टार्ट होता है तो उसके बाद ये जो मूवमेंट है द्रविड़ नाडु जो मूवमेंट है वो कमजोर पड़ जाता है। कमजोर इसलिए क्योंकि अलग अलग भाषा को अलग अलग राज्य दे दिया गया था, तो वहां पर एक अलगाववाद की भावना जो है वो दब जाती है, कम हो जाती है। लेकिन 1980 के दशक में जहां पर आप देखेंगे इंडियन पीस कीपिंग फोर्स जो है वो यहां पर भेजी जाती है श्रीलंका में लिट्टे करके, आपको पता हो कि वहां पर लिट्टे मूवमेंट, लिट्टे जो एक संगठन था उन जिन्होंने जो प्रधानमंत्री कहेंगे कि राजीव गांधी की हत्या कर दी थी, काफी ज्यादा वो सुर्खियों में रहे थे लिट्टे करके, तो वहां पर उसको दबाने के लिए जो श्रीलंका में सिविल वॉर चल रहा था उसके समर्थन में भारत में से इंडियन पीस कीपिंग फोर्स जो भेजी जाती है, तो तमिलनाडु की लिबरेशन आर्मी जो है एक छोटा एक आतंकवादी संगठन है उन्होंने द्रविड़ नाडु की मांग को फिर से जीवित कर दिया था 1980s के टाइम में। अब यहां पर पृथक राज्य की मांग जो हो रही है उसके कारण क्या है, आपने देख लिया कि हां मांग हो रही है, आज की डेट में इसका पर्सपेक्टिव क्या है वो देखिए। सबसे पहले तो जैसे मैंने कहा पेरियार ने हिंदी भाषा को जैसे कहा था कि अनिवार्य किया जाएगा तो उसका विरोध किया था, तो अब हिंदी को देश की एक तरीके से साझा भाषा बनाने का विचार जो था पेरियार को बिल्कुल भी पसंद नहीं था, बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड एक्सेप्ट नहीं था। जिन्होंने इसे तमिलों को ऐसे माना कि भाई अगर आप हिंदी को लागू कर रहे हो पूरे भारत के अंदर तो इसलिए भारत के जो जो तमिल है उनको उनका सबऑर्डिनेट बना दिया जाएगा, यानी कि एक तरीके से सेकंड सिटीजन के तौर पे देखा जाएगा कि सबसे पहले कौन आएगा नॉर्थ इंडियन फिर उसके नीचे साउथ इंडियन माना जाएगा। तो इन्होंने ऐसे इसको इंटरप्रेट किया कि भाई आप अगर हिंदी को लेकर आते हो सबसे ज्यादा हिंदी को अगर आप लागू करते हो तो हमारी जो भाषा है वो नीचे दबके रह जाएगी और हमें कहीं ना कहीं आपका सबऑर्डिनेट आपका कहना मानना पड़ेगा, तो इन्होंने इस चीज को ऐसे देखा था। और यहां पर इन्होंने एक अलग द्रविड़ नाडु पर जोर दिया था, विश्व शिक्षा में हिंदी के प्रवेश का विरोध करते रहे हैं। राजनीतिक कारक अगर हम बात करें, अगर आप देखते हैं यहां पर जो राजनीतिक दल हैं जो तमिलनाडु के अंदर, तो यहां पर एक तरीके से हमेशा स्टेट ऑटोनॉमी की डिमांड की जाती है, इनके एजेंडे में यही रहता है स्टेट ऑटोनॉमी, मतलब कि फेडरेशन का ये यूज करते हैं, फेडरलिज्म का यूज करते हैं अपने मैनिफेस्टो के अंदर, संघवाद। अभी हाल ही में जैसे यहां पर विचार एक तरीके से सामने आ रहा था कि हम सेंटर शब्द का यूज ना करके हम फेडरलिज्म का यूज करेंगे, क्योंकि सेंटर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा है, आपने देखा ना सेंट्रल गवर्नमेंट वो सेंटर गवर्नमेंट नहीं है। एक तरीके से कहा गया कि संविधान में फेडरलिज्म का यूज किया गया है, संघवाद का यूज किया गया है। फेडरलिज्म का मतलब होता है कि भैया सेंटर को भी पावर हो साथ ही साथ जो स्टेट है उनको भी पावर प्रोवाइड की जाए अपने अपने जो एक्टिव जो टेरिटरी है वहां पर। तो यहां पर यह सेंटर या देखेंगे ना बहुत एक अलग तरीके से यहां पर चीजें ली जाती हैं, जैसे फेडरलिज्म का यूज कर लिया, राज्यों को ज्यादा ऑटोनॉमी दी जाए यानी ज्यादा पावर दी जाए। और यहां की जो पार्टी है तमिल फिल्मों के माध्यम से अपने विचारों को प्रचार करने के लिए यानी उनको फैलाने के लिए एक अलग ही तरीका ये यूज करते हैं। इसके अलावा जो आर्थिक कारक हमने देखे हैं, देखिए इनका कहना है कि जितना हमारा योगदान है भारतीय अर्थव्यवस्था के अंदर उतना हमें बेनिफिट नहीं मिल पा रहे हैं। भाई होता तो ये है ना कि आप जो जीडीपी है उसके अंदर काफी ज्यादा योगदान दे रहे हैं और आपको रिटर्न भी अच्छा मिलना चाहिए उसके अंदर, क्योंकि आप उस जीडीपी को आगे बढ़ा रहे हो, लेकिन जितना आप जीडीपी को आगे बढ़ा रहे उतना आपको बेनिफिट नहीं मिल रहा है, तो इससे काफी ज्यादा नाराज किया। देखिए भारत की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में 8.8% का योगदान देते हैं, लेकिन बावजूद इसके इतना बेनिफिट यहां पर नहीं मिल पा रहा है। दूसरा समस्या हमारे सामने निकल कर आता है,
डेमोग्राफिक फैक्टर यानी जनसंख्या की कारक। देखिए आपने देखा होगा कि उत्तर भारत के अंदर, उत्तर भारत में, उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करता हूं तो जनसंख्या के मामले में भारत का सबसे फर्स्ट या फिर कहेंगे नंबर वन राज्य है। लगभग 22 से 30 23 करोड़ के आसपास जो वो जनसंख्या या फिर इससे भी ज्यादा होगी। तो यहाँ पर इतनी जनसंख्या वाला एक राज्य, वहां पर आप साउथ इंडिया की तरफ अगर आते हैं तो आप देखिए वहां पर कैसे जनसंख्या को कंट्रोल किया गया। ऑब्वियसली वहां पर जो फैमिली प्लानिंग है बहुत अच्छे से वर्क की गई है, वहां पर उन्होंने अपनी फैमिली प्लानिंग भी की। तो आप देखेंगे जनसंख्या के मामले में उत्तर भारत काफी ज्यादा आ गया एज कंपेयर टू दक्षिण भारत से, साउथ इंडिया से। अभी हाल ही में मुझे एक मूवी मैंने देखी थी, अनेक करके मूवी थी, वहां पर ये बात आ रही थी कि हम ये साउथ इंडिया क्यों बोलते हैं, नॉर्थ इंडिया क्यों बोलते हैं, हम इंडिया क्यों नहीं बोल सकते। तो शायद उन्होंने ये नहीं पढ़ा होगा कि उत्तर साउथ जो है वो साइड के आधार पे भी बोला जाता है। ऐसा मत समझना कि उत्तर भारत अलग है दक्षिण भारत, ऐसा नहीं होता है। हम जब भी साउथ इंडिया नॉर्थ इंडिया बोलते हैं तो साइड के हिसाब से बोला जाता है कि हाँ ऊपर के राज्य को नॉर्थ इंडिया बोल दिया और नीचे के राज्यों को हमने साउथ इंडिया बोल दिया, और इसके अलावा और कोई मकसद नहीं होता यहाँ पर। खैर ये बात मुझे वहीं से याद आ गई थी। खैर जनसंख्या जो है इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले क्यों करती है? देखिए जनसंख्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है लोकसभा सीटों के लिए। आपको पता है कि 10 लाख लोगों पे एक सीट जो है आवंटित की जाती है। अभी हाल ही में हमारे यहां पर तो देखिए 1971 की जनगणना के आधार पर 2026 तक लोक सीटों के अंदर कोई भी फेरबदल नहीं किया जाएगा, इवन कहेंगे कि उनको स्थिर रखा जाएगा। लेकिन आपने देखा कि एक नई पार्लियामेंट का निर्माण हुआ है। नई पार्लियामेंट का निर्माण होने का मतलब यह है कि आने वाले टाइम में अब यहां पर सीटों में इंप्रूवमेंट की जाएगी। अब सीटों में इंप्रूवमेंट कहां की जाएगी? ऑब्वियसली हमारे यहाँ पर उत्तर प्रदेश के अंदर देखेंगे तो जनसंख्या जैसे बढ़ रही है तो प्रतिनिधित्व कम है, जो लोग हैं जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं वो कम है, ज्यादा ज्यादा जनसंख्या हो चुके। तो कहीं ना कहीं इन्होंने तो साउथ इंडिया में तो अपनी जनसंख्या कंट्रोल कर ली, इनको तो एमपी मिले नहीं, सीट इतनी मिली नहीं लोकसभा में। अब देखिए जितनी लोकसभा में सीट है उतना ही पावर उनके पास पहुंच जाएगी। तो लोकसभा में सीट है 80 सीटें हैं उत्तर प्रदेश की, तो सबसे ज्यादा फोकस उत्तर प्रदेश पे कर दिया जाता है। तो यहां पर कह रहा है कि हमें उतना रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल पाता है, तो इस करके एक नाराजगी यहां पर आती है। अब यहां पर देखिए तमिलनाडु और दक्षिण भारत के राज्यों में संसद में जो पर्याप्त सीटें हैं उसकी हिस्सेदारी को लेकर एक आशंका थी, जिससे एक अलगाववादी प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है। अब यहां पर बात करते हैं अगर ये पृथक मांग के सामने जो चुनौतियां हैं उसकी देखते हैं। देखिए अगर ये चीजें आगे बढ़ती हैं तो एक तरीके से पेंडोरा बॉक्स निकलते हैं, पेंडोरा बॉक्स बोले तो समस्याओं का भंडार हमारे सामने आ जाते हैं। एक राज्य की स्वायत्ता की अगर हम बात करते हैं तो और भी राज्य हमारे सामने खड़े हो जाते हैं कि हाँ भी हमें भी स्वायत्ता चाहिए। तो एक राष्ट्रवाद की भावना को ये बहुत ज्यादा प्रभावित करती है, नेशनलिज्म को बहुत ज्यादा प्रभावित करती है। दूसरी बात अगर हम देखते हैं तो संवैधानिक प्रावधान के बिल्कुल विरुद्ध है। हमारे संविधान कहता है कि भारत जो है वो इनडिस्ट्रक्टेबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टेबल स्टेट है। ध्यान रखना इनडिस्ट्रक्टेबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टेबल स्टेट है, मतलब कि हम भारत को नहीं तोड़ सकते, भारत के अंदर जो स्टेट्स हैं उनको हम तोड़ सकते हैं। मतलब कि जो पंजाब है, पंजाब को आप तीन हिस्सों में या फिर चार हिस्सों में आप अलग अलग राज्य बना सकते हैं या यूनियन टेरिटरी बना सकते हैं, लेकिन भारत को आप अलग नहीं कर सकते। ये हमारे संविधान में बात लिखी गई है और भारत के संविधान के आर्टिकल 3 के अंदर बोला गया है कि राज्यों को संघ से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है, और इस प्रकार राज्य की स्वायत्ता यानी जो आप ऑटोनॉमी मांग रहे हो वहां पर कोई उसकी संविधान के बिल्कुल विरुद्ध है। ये सब चीजें आती हैं। इसके अलावा आगे की राह क्या हो सकती है? देखिए इस चीज को कैसे कम किया जाए, जैसे द्रविड़ नायडु की मांग उठ रही है, इन्होंने कहा है कि हमारी बात मान लीजिए या फिर हमें ज्यादा परेशान मत कर दीजिए करिए, तो अगर नहीं करोगे ज्यादा परेशान तो हम द्रविड़ नायडु की मांग उठाएंगे। तो इन सब चीजों को कैसे कम किया जाता है? एक होता है इफेक्टिव ऑल इंडिया सर्विसेज, जैसे ऑल इंडिया सर्विसेज के माध्यम से जो एक बेसिक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बनाती है भारत का, जहां पर जो ये ऑल इंडिया सर्विसेज है भारत सरकार की जो विभिन्न पॉलिसीज हैं डेवलपमेंट स्कीम है उनको बहुत तरीके से ग्राउंड लेवल पे उनको लागू करवाया जाता है, ग्रास रूट पे उनको अच्छे तरीके से लागू करवाया जाता है, तो वो इफेक्टिव होंगी, जिससे क्या होगा कि पूरे भारत में एक तरीके से एक रूपता सुनिश्चित होगी, यानी यूनिफॉर्मिटी आएगी, देश के विभिन्न हिस्सों में अखंडता का संदेश भी फैलाएगी। तो एक प्रभावकारी इफेक्टिव ऑल इंडिया सर्विसेज हो। उसके अलावा सहकारी संघवाद को बढ़ावा दिया जाए, इसका मतलब हुआ कि जो स्टेट है उनको भी सामने लाया जाए, उनसे भी जो भी हमारे सामने जो भी सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक सिविक जो प्रॉब्लम्स हैं
तो जो स्टेट्स हैं उनको भी लाया जाए, उनके भी जो ओपिनियन है उनको सुना जाए, ताकि उनकी एक हिस्सेदारी रहे। ऐसा ना लगे कि अलग थलग कर दिया हो, सिर्फ सेंटर अपनी ही चला रहा हो। सेंटर स्टेट रिलेशन को एक बहुत बढ़िया तरीके से हमारे सामने रिप्रेजेंट करना होगा। देखिए, एक सरकारी समिति आई थी, उन्होंने कहा था राज्यों को अगर हम ज्यादा इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन देंगे, उनको डिसीजन लेने की ज्यादा पावर देंगे, वहां पर अपने डेवलपमेंट करने के अधिकार दिए जाएंगे, तो ये जो अलगाववाद की जो प्रवृत्तियां हैं वो ऑटोमेटिकली ही नियंत्रित हो जाएंगे। आपको कुछ करने की ही जरूरत नहीं अगर आपने उनको स्वायत्तता दे दी है ज्यादा, मतलब कि इन आर्थिक उदारीकरण के अंदर। क्लियर। इसके अलावा देखिए, समग्र संस्कृति को बढ़ावा देना, एक 3 लैंग्वेज फॉर्मूला है, वहां पर अगर उसको सही ढंग से लागू कर दिया जाता है, जबकि भारत की सभी भाषाओं को एक समान रूप की मान्यता दी जा सकती है, तो यहां पर अगर आप ऐसा होता है ना कि कोई भी 3 भाषा आपसे मिली, भारत की ही बात करें, भारत के अंदर जितनी भाषाएं जैसे तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, तो इन सब भाषाओं को मिलाकर कहा गया कि आप 3 भाषीय सूत्री प्रोग्राम लेकर आइए, उनको सही से इंप्लीमेंट कर दीजिए, और एकता की भावना को विकसित करने के लिए आप अलग अलग कार्यक्रम जैसे इनक्रेडिबल इंडिया प्रोग्राम है उसको आप चला सकते हैं, उससे भारत की मतलब कि एक तरीके से नेशनलिज्म को बढ़ावा दिया जा सकता है। एक और तरीका है कि अंतरराज्य परिषद को सशक्त बनाना, अंतरराज्य मतलब कि राज्य और जो सेंटर है उसके बीच में रिलेशन को आगे अच्छे तरीके से बढ़ावा दिया जाए उनको, और अच्छे से अच्छे तरीके से उनको निपटाया जाए जो भी प्रॉब्लम है उनके बीच में। फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा होगा कि नदी के जल को बंटवारे को लेकर काफी ज्यादा झड़पें हुई हैं, हर जगह झड़पें होती हैं, हर राज्य जो है वो चाहता है कि उनको ज्यादा हिस्सा मिले पानी का। फॉर एग्जाम्पल, अभी SYL सतलुज यमुना लिंक जो करके एक हरियाणा और पंजाब के बीच में जो विवाद है, जो पंजाब है वो नहीं चाहता कि सतलुज का पानी जो है पर हरियाणा को मिले, बावजूद इसके कि नहर जो है वो बनाई जा चुकी है, मतलब पंजाब में कंप्लीट नहीं है, हरियाणा में कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन हरियाणा पंजाब वाले कहते हैं कि हम आपको पानी नहीं दे सकते, हमारे यहाँ कमी पड़ जाएगी। तो ऐसी ऐसी चीजें वहां पर हो रही हैं, तो एक तरीके से देखा जाए तो वो पानी जो है आप देने की बात कर रहे हो किसी दूसरे देश को नहीं कर रहे हो, आप अपने ही राज्य के अपने ही भाइयों को देने की बात कर रहे हो। तो इस तरीके की जो भावना है अगर उसको बढ़ावा दिया जाएगा कि एक ही देश के लोग हैं, आप ही के देश के लोग, किसानों को मिलेगा पानी, तो यहां पर अगर ये चीजें बढ़ाई जाती हैं तो इससे काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी ये जो अलगाववादी जो सोच है उसको कम होने में। तो उम्मीद करता हूं कि आपको द्रविड़ नाडु से रिलेटेड जो भी डाउट्स है वो अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। वीडियो पसंद आई है तो बेशक इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और PDF के लिए ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुका हूं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का एक लिंक दिया मिलेगा, तो जाकर आप वहां से इस वीडियो की PDF डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो कुछ ज्यादा ही पसंद आई है तो बेशक इसको शेयर कर सकते हैं अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर, जहां पर भी आप अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, इवन इस चैनल को भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।